बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज़ अहले वतन, अस्सलामुअलैकुम। मैं इस्लामी जम्हूरिया पाकिस्तान के यौम आज़ादी पर आपको दिल की गहराइयों से पेश की मुबारकबाद देता हूँ। तकरीबात आज़ादी का आगाज़ 1 अगस्त से हो चुका है। इस साल इन तकरीबात आज़ादी में ऑपरेशन ज़र्बे अज़्ब से यकजहती और वज़ीरिस्तान से बेघर होने वाले अफराद की हर मुमकिन मदद का अहद ख़ुसूसी हवाले हैं। मेरे अज़ीज़ भाई और बहनों, आज़ादी का एक अहम तकाजा ये भी है कि वतन अज़ीज़ सियासी इस्तेहकाम के पुरसकून माहौल में तामीर और तरक्की की रोशन मंजिलों की तरफ बढ़ता रहे। बदकिस्मती से हमारा माजी इसी तरह के अदम इस्तेकाम और सियासी इंतशार का शिकार रहा, जिसकी हम बहुत भारी कीमत अदा कर चुके हैं। हमारी हम उम्र कौमें हमसे कहीं ज़्यादा तवाना, कहीं ज़्यादा तरक्की याफ्ता और कहीं ज़्यादा खुशहाल हो चुकी हैं। आप सारी दुनिया पर नज़र डालिए, सिर्फ उन्हीं मुल्कों ने तरक्की और खुशहाली की मंजिल पाई जहां सियासी इस्तेकाम रहा, पॉलिसीज़ तसलसल के साथ जारी रहीं, तामीर और तरक्की के मंसूबों में कोई रुकावट नहीं पड़ी। यौम आज़ादी का इस्तकबाल करते वक्त हमें इस सवाल का जवाब ज़रूर तलाश करना चाहिए कि कौन सी खराबियाँ हमें मंजिल से दूर कर रही हैं और कौन से खोखले नारे हमें गुर्बत और पसमानदगी से निकलने नहीं दे रहे। अल्लाह के फजल से आज वतन अजीज जमहूरियत की राह पर चल रहा है। तमाम रियासती इदारे आइन के मुताबिक काम कर रहे हैं। अवाम के मुंतखब नुमाइंदों पर मुश्तमिल पार्लियामेंट काम कर रही है। हमारी अदलिया पूरी कुव्वत के साथ आइन और जमहूरियत की पुश्त पर खड़ी है। गुज़श्ता साल पहली बार एक मुंतखब जमहूरी हुकूमत और पार्लियामेंट ने अपनी आइनी मुद्दत पूरी की। इंतकाल इक़्तदार का मरला खुश असलूबी से तय हुआ। इसी सियासी बलूगत का नतीजा था मेरे हमवतनों के 2013 के इंतखाबात के बाद हर सतह पर अवामी मैंडेट को तस्लीम किया गया। हमने खुले दिल से खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हुकूमत साजी के लिए नई जमहूरी रवायात की बुनियाद डाली। एक नया कल्चर डेवलप हुआ पाकिस्तान के अंदर, एक नई बिगनिंग हुई, नया आगाज हुआ। और आज़ाद कश्मीर देखिए, वहां पर भी हमने एक मस्बत किरदार अदा किया और कोई उखाड़ पिछाड़ में हम नहीं पड़े। इस तामीरी सोच का नतीजा है कि तमाम हुकूमतें पूरी यकसुई के साथ काम कर रही हैं। अवामी मैंडेट के हामिल जमातों को यह सुनहरी मौका मिला है कि वो अपनी कारकर्दगी का भरपूर मुजाहरा करें, ताकि 2018 में अवाम इस कारकर्दगी के पैमाने पर अपना फैसला कर सकें। आपने मरकज में भी देखा मेरे अजीज़ अहले वतन के, हम एक हुकूमत आई, पिछली हुकूमत गई, एक सदर गया, दूसरा सदर आया, एक वज़ीर आज़म गया, एक वज़ीर आज़म आया, एक दूसरे को रुख्सत किया, एक दूसरे को वेलकम किया। ये कितनी अच्छी ट्रेडिशन कायम की, और हमने यानी कि इसको सोचे समझे एक जो है वो मंसूबे के तहत इसको हमने शुरू किया। और मैं समझता हूँ कि ये कल्चर का डेवलप होना पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है, डेमोक्रेसी की कामयाबी है। जून 2013 में हमने हुकूमत संभाली तो वतन अजीज़ हर शोबे में शदीद मुश्किलात और बहरानों में घिरा हुआ था, और मैंने ये आपको पहले भी बताया। मायूसी और नाउमीदी की बजाय हमने इस सूरत हाल को एक चैलेंज समझकर कबूल कर लिया। सालों का काम महीनों
और महीनों का दिनों में करने का अज़्म किया। मैं ये दावा तो नहीं करता कि हमारी हुकूमत ने कोई मोजज़ा कर दिखाया है, लेकिन मैं ये बात पूरे यकीन और एतमाद से कह सकता हूँ कि गुज़श्ता 14 माह के दौरान पाकिस्तान आगे ज़रूर बढ़ा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के नए अजीम शान मंसूबों, कौमी मईशत की बेहतरी, बैरूनी सरमायाकारों के भरपूर एतमाद, मजमूई कौमी पैदावार की शरह में इजाफे, रुपए के इस्तेकाम, बरामदात में इजाफे, स्टॉक एक्सचेंज की मजबूती और मुतद्दद दूसरे इकदाम की वजह से मुल्क न सिर्फ बुरानों की दलदल से निकल रहा है बल्कि तरक्की और खुशहाली की मंजिल की तरफ गामजन भी हो चुका है। 10,400 मेगावाट बिजली के नए मंसूबे का मुआहदा तय पा चुका है। उसके नाम मैं फर्दन फर्दन आपको बता सकता हूं, लेकिन उसमें वक्त लगेगा। तो सब लिस्ट हमारे पास मौजूद है, शायद इश्तहारों में भी आ चुका है। इसके अलावा तरबेला और मंगला के कई सालों बाद हम भाषा डैम की तामीर का आगाज भी कर रहे हैं, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम होगा इंशाअल्लाह, जिससे 4,500 मेगावाट बिजली पैदा होगी। इतनी ही बिजली पैदा करने वाले दासू डैम की बुनियादें भी रख दी गई हैं और कराची से लाहौर तक मोटरवे की तामीर का आगाज होने को है। इसके लिए हमने 55 अरब रुपया दे दिया है ज़मीन की खरीदारी के लिए, मिल चुका है, ज़मीन खरीदी जा रही है और बहुत जल्द इंशाल्लाह मोटरवे की तामीर भी शुरू हो जाएगी। और फिर मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनों हज़रात, खुंजराब से गवादर तक इक्तसादी राहदारी से इंशाअल्लाह मुआशी तरक्की की नई राहें खुलेंगी। इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात कर रहा हूं मैं। हमारी पूरी तारीख में इतने बड़े बड़े मंसूबे इस तेज रफ्तारी के साथ कभी नहीं लगे। मेरे अजीज हमवतनों, एक तरफ हम माजी की खराबियों और कमजोरियों से निजात हासिल करके तामीर और तरक्की और अमन और खुशहाली की नई राहों पर सफर का आगाज कर चुके हैं, और दूसरी तरफ देखिए सितम जरीफी, दूसरी तरफ ऐन इस वक्त कुछ नासर खोखले नारों की बुनियाद पर एहतजाजी सियासत की राह पर चल निकले हैं। एक अरसे से पसमानदगी के अंधेरों में भटकती हुई इस कौम को यह पूछने का हक है कि यह एहतजाज किस लिए है। हम जानना चाहते हैं, आप भी जानना चाहते हैं, किस लिए है यह एहतजाज। इन हंगामों, इन फसादात, इन फितनों का मकसद क्या है? 18 करोड़ पाकिस्तानियों को बताया जाए कि क्या यह एहतजाज इस वजह से हो रहा है कि पाकिस्तान में तवानाई के बहरान को हल करने के लिए ठोस इकदाम किए जा रहे हैं? क्या यह एहतजाज इसलिए किया जा रहा है कि हमारी बंद सनतों का पहिया फिर से चलने लगा है? क्या यह एहतजाज इस वजह से हो रहा है कि ज़र मुबादला के जखायर दुगने हो गए हैं? क्या यह एहतजाज इस वजह से हो रहा है कि पाकिस्तानी रुपए की कीमत मुस्ताकम हो रही है? क्या यह एहतजाज इसलिए हो रहा है कि कई सालों के बाद पहली बार इक्तिसादी तरक्की की शरह 4% से भी ऊपर चली गई है? क्या यह एहतजाज इसलिए हो रहा है कि गरीब खानदानों के लिए मखसूस इमदादी रकम 40 अरब रुपए से बढ़ाकर 118 अरब रुपए कर दी गई है? क्या यह एहतजाज इसलिए हो रहा है कि नौजवानों को खुद रोजगारी के लिए आसान शराइत पर कर्जे मिल रहे हैं? क्या यह एहतजाज इसलिए हो रहा है कि पिछले 14 माह के दौरान करप्शन का हमारे खिलाफ एक भी स्कैंडल नहीं है? क्या यह एहतजाज इसलिए हो रहा है कि आलमी इदारे पाकिस्तानी हुकूमत की शफाफियत और दयानत पर एतमाद करने लगे हैं? इस हंगामा फसाद की एक वजह तो बताई जाए, ये लोग क्यों एक बार फिर पाकिस्तान को गुर्बत, पसमानदगी, दहशतगर्दी और बदमनी की तरफ धकेलना चाहते हैं?
पूछना चाहिए इनसे, इनके अपने पे तुले हुए हैं, पूछिए इनसे आप। आप अच्छी तरह जानते हैं कि 2002 और 2008 के इंतखाबात किस माहौल में हुए और वो किस हद तक मुनसफाना थे। हमें 7 बरस मुल्क में नहीं आने दिया गया, मुझे और मेरे खानदान को, शहबाज शरीफ को। 2002 के इंतखाबात मुस्लिम लीग नून ने हमारी जलावतनी के दौरान लड़े और उसे 1.5 दर्जन नशस्तों तक महदूद कर दिया गया। हमने फिर भी अपना जमहूरी किरदार पूरी साबित कदमी से अदा किया। 2008 के इंतखाबात के लिए मेरे और शहबाज शरीफ के कागजात मुस्तरद कर दिए और आप जानते हैं कि मुझे और उनको नाहल करार दे दिया गया। हमने फिर भी पूरे सब्र तहमुल के साथ इंतखाबी मुहिम चलाई और पार्लियामेंट के अंदर रहते हुए अपना किरदार अदा किया। मैं कौमी असेंबली का मेंबर नहीं बन सका, मुझे नहीं बनने दिया गया, लेकिन मैंने जो कहते हैं धांधली का रोना नहीं रोया, आप जानते हैं अच्छी तरह से, और कोई शिकवा शिकायत नहीं की। 2013 के इंतखाबात पहली बार इत्तेफाक राय से चुने गए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की निगरानी में हुए। ये इंतखाबात पहली बार नई आईनी तरमीम की रोशनी में कायम होने वाली हुकूमतों की निगरानी में हुए। पहली बार इंतखाबी फहरिस्तों की भरपूर जांच पड़ताल हुई। पहली बार ऐसी इंतखाबी फहरिस्तों से काम लिया गया जिनमें हर वोटर की तस्वीर भी मौजूद थी। पहली बार नादरा के कंप्यूटराइज्ड कार्ड्स को वोटर के लिए जरूरी करार दिया गया। आज इल्जाम तराशियां करने वालों ही के मुतालबे पर अदालत उज़्मा ने खास तौर पर इजाजत दी कि जज साहिबान रिटर्निंग अफसरान के फराइज सरंजाम देंगे। इन हकूमतों में, केयर टेकर्स की बात कर रहा हूं, इन हकूमतों में मरकजी और सूबाई सतह पर मुस्लिम लीग नून का नामजद करदा कोई नुमाइंदा मौजूद ना था, बल्कि हम तो जेरे एताब थे। मुश्किलों में इलेक्शन लड़ा बड़ी हमने, और सबसे ज्यादा प्रेशर भी पंजाब पर था। आप अच्छी तरह वाकिफ हैं हर सूरत हाल से। पहली बार पोलिंग स्टेशन पर ही तस्दीकशुदा नतीजा हर पोलिंग एजेंट को देने के जाब्ते पर सख्ती से अमल किया गया। 100 के लगभग मुल्की और गैर मुल्की टेलीविजन चैनल्स और सहाफियों